हाल इतनी खराब है कि पिछले 24 घंटों में जो अब तक के डेढ़ बरस के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ इजाफे के बीच 4650 नए केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आए हैं। इनमें जम्मू सूबे से और कश्मीर वादी से भी सामने आए हैं। लद्दाख के अंदर भी नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कोविड से मजीद 37 लोगों ने दम तोड़ दिया पिछले 24 घंटों में। जो सरकारी बुलेटिन बताता है कि कोरोना के फैलाव की वजह से 37 लोगों की मौत के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मरने वालों की तादाद पहले ही 2200 से तजावज कर गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सेहतियाबी की शरह में यूनियन टेरिटरी के अंदर इजाफा हुआ है और 1800 से ज्यादा मरीज पिछले 24 घंटों में जो कोविड से निजात पाकर घरों को वापस लौट चुके हैं। कुल मिलाकर अगर अभी तक आप देखेंगे तो यूटी के अंदर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 4650 केसेस में, जिनमें जम्मू कश्मीर वादी के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जहां पर 3000 तक केसेस पहुंच गए या इससे पार तादाद पहुंची। अब तक जो 3,350-3,600 के आसपास केसेस आ रहे थे, 2000 फिगर्स मुसलसल जा रहे थे, लेकिन पहली बार हुआ कि सिर्फ कश्मीर सूबे के अंदर 3000 प्लस केसेस और जम्मू के अंदर बाकी केसेस जो करीब 1500 बनते हैं 4600 के आसपास केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरी तरफ श्रीनगर जिले समेत वादी का शुमाली हिस्सा बारामूला के अंदर केसेस में गुज़श्ता रोज भी इजाफा हुआ है। श्रीनगर एक बार फिर सरे फहरिस्त है और यही वजह है कि जब केसेस एक तरफ शाम देर गए आदादोशुमार सामने आए तो एक घंटे के बाद यहां पर लॉकडाउन में भी तौसीक करने का फैसला लिया गया है। ये जो केसेस सामने आए जी, इनमें फटाफट से आप देख लीजिए, शहर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर 1311 केस है जी, और ये मैं सरकारी फिगर्स बता रहे हैं, हमारे फिगर तो औसतन ज्यादा है इससे, लेकिन सरकार के जो फिगर्स हैं मैं वही इस वक्त कोट करूंगा आपके सामने। बारामूला के अंदर 352, बड़गाम के अंदर 385, पुलवामा 240, 96 कुपवारा, 417 अनंतनाग, 107 बांडीपोरा, 31 गांधरबल, कुलगाम 160 से ज़्यादा और 85 शुपियां के अंदर। जब एदादोशुमार को आप देखेंगे, पॉजिटिव केस 48,000 से ज़्यादा हैं जी, जिनमें 560 से ज़्यादा मौतें भी हुई हैं। रिकवरियां कितनी हुई हैं इसमें 48,000 में, 36,782 रिकवरियां भी हुई हैं श्रीनगर के अंदर। और रिकवरियों के साथ साथ फिर डेथ फिगर्स और दीगर चीज़ें जब आप एक एक डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे तो पता लगता है कि जो पिछला फेज वन था कोविड का, उसके मुकाबले में इस बार कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है, वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। अब इसके पीछे क्या वजूहत है उसकी ओर नहीं हम जाएंगे, लेकिन अभी भी मौका है कि इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है। एक, वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर निज़ाम को माकूल और मुनज़्ज़म बनाया जाए। दूसरा, लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होता है, ये लॉकडाउन हमने बहुत पहले भी देखे हैं जी, मुख्तलिफ वाहनों पर हम सिविल कर्फ्यू किया करते थे जी, आज इंसानियत के लिए सिविल कर्फ्यू कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, खुद इंतजामिया करें न करें खुद आप कर दीजिए, घर बैठिए, ताकि ये जो वायरस है, ये जो फैलाव है, ये किसी न किसी तरीके से टूटे। इसमें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, आप हिम्मत बनाए रखें, सूरत हाल काबू में आ सकती है। जो SOPs है, रहनुमा खतूत है मुआलिजीन की तरफ से जो दिए जा रहे हैं, उन पर अगर सख्ती के साथ अमल किया जाए तो बहुत हद तक ये जो फैलाव है इसे रोका जा सकता है जी। आसिफ, श्रीनगर भी चलिएगा जहां से हमारे साथ हैं। वेंटिलेटर्स को लेकर भी सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए, थोड़ी देर में आपके सामने रखे, लेकिन शराय अमवात या केसेस की तादाद जो इस वक्त श्रीनगर जिले में बारामूला के अंदर काफी ज्यादा बढ़ी है, लॉकडाउन में तौसी की गई है, इंतजामिया का अब तक का फैसला आज मैं फिर ये सवाल करूंगा कितना मुअसर साबित हुआ है अब तक, अगर जो आदादोशुमार बताते हैं वो काफी कुछ ये बताने के लिए शायद हैं कि शायद ये फैसला भी अभी तक काम नहीं आया, 50% कारोबार और दूसरी तरफ लॉकडाउन बीच बीच में। आसिफ, देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आप इस कोरोना वायरस के बाद के इस फेज या इस मरहले की बात करें तो लॉकडाउन जो सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, मुझे लगता है कि बरवक्त एक फैसला है, लेकिन सरकार ने पहले ही हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन गरीब आवाम के बीच में अफोर्ड नहीं करेंगे और ये आखिरी ऑप्शन होगा कि जब हमारे भी तमाम रास्ते जो है सील कर दिए जाएंगे। इसी बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल की मीटिंग के बाद इंतबाह किया कि अगले 10 दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा इन 10 दिनों में ज्यादा वक्त अगर आप हो सके तो इंडोर के अंदर गुजारें और बाहर आने की कोशिश न करें। लेकिन इंतजामिया ने एदाद-ओ-शुमार फिगर और न्यूमेरिकल बेसिस पर बारामूला, बड़गाम, अनंतनाग, पुलवामा, शुपियां, इन तमाम अजला को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर और बड़गाम और बारामूला अजला को कश्मीर प्रोविंस से फौरी तौर पर लॉकडाउन को दोबारा रिम्पोज करने के अहकाम जारी किए, जिसके गालिबन मतलब ये है कि जरूरत क्या पड़ी सरकार को कि तीन ही अजला को नोटिफाई किया, यानी हालात आपे से बाहर हो चुके हैं। लेकिन
सड़कों पर जब आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारी जिम्मेदारी निभा दी है। मैं आपको अपना तजुर्बा बता दूं कल का कि कल जम्मू कश्मीर पुलिस के सिटी चीफ ने बर वक्त एक कार्रवाई करते हुए अपने डीओ एसडीपीओ एसएचओ को मुतनबिह किया कि कोई भी शख्स जेड पीएचओ से एपीएचओ से पीएचओ से पुलिस के किसी भी बड़े साइन बोर्ड वाले ऑफिस से फोन न करे अगर वायलेशन में टू व्हीलर थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शा वगैरह जो है जब्त किए जाते हैं और ड्राइवर गिरफ्तार किए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिएगा। यानी जब आप एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार करते हैं तो फौरी तौर पर फोन कहीं दफ्तर से आ जाता है तो टूट जाता है, दोबारा सड़क पे वो फिर घूमता फिरता नजर आता है। यानी लॉकडाउन का मतलब है सरकार ने तो ऐलान किया लेकिन अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लोगों को इंफराजी और इज्तिमाही तौर पर अपना रोल अदा करना होगा। और ये लॉकडाउन पहले से आपको आसिफ याद होगा सरकार ने कहा था फल फ्रूट चिकन मटन और जरूरियाती जिंदगी मेडिसिन की शॉप वगैरह जो है सरकारी मुलाजमी को दफ्तर जाना है और फ्रंट वॉरियर्स में हेल्थ वर्कर्स पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेज जर्नलिस्ट वगैरह जो है वो दफ्तर जा सकते हैं अपना काम कर सकते हैं जिससे वो ट्रैफिक भी हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगले 10 दिन थोड़ा सा और हमारे लिए बड़े क्रूशियल हो सकते हैं, ज्यादा हमें ज्यादा से ज्यादा फिक्र अपनी और अपनों की कमी होगी। लेकिन एक चीज और भी, अगर लॉकडाउन लगा है इंतजाम की तरफ से दो तरह की कार्रवाइयां की जा रही, दुकानें कल भी सील हुई हैं 16 के करीब पामपुर और इसके आसपास के इलाकों में दुकानें बंद हुई, नॉर्थ कश्मीर में भी एक दर्जन के करीब दुकानों पर छापे पड़े बंद हुई, हजारों रुपए जुर्माना आयद किया गया। लेकिन ये जो आमदोरफ्त का सिलसिला अभी भी बड़ी तादाद में जारी है शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, पिछले 24 घंटों में भी हमने देखा तीसरा दिन था लॉकडाउन के दौरान एक होड़ सी लगी हुई है, लोग शायद बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, ट्रैफिक जैम देखा गया, ये कौन लोग हैं, किस मकसद से निकले और क्या पुलिस को ये सब चीजें पता होने के बावजूद भी सिर्फ दुकानदारों पर ही कार्रवाई लाजमी है या ये लोग भी कहीं रुकेंगे? देखिए सरकार ने बहुत ज्यादा ठहराव करने के बाद ये फैसला लिया लॉकडाउन का और कोशिश की कि जितना रिलैक्स हो सके क्योंकि रोजे हैं, कोरोना है, गुर्बत है, परेशानी है, बहुत सारे मसाइल हैं, सरकार ने खुद डील दे दी और अभी भी सरकार जो है उस तरह का लॉकडाउन हमें देखने को नहीं मिलता है। अब ये कौन लोग हैं सड़कों पे, आपके सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर पुलिस, आपके फ्रंटलाइन वॉरियर जो भी दफ्तरों में जाना चाहते हैं, ये तो ट्रैफिक जाम तो उनका है लेकिन जो बाद में जो कैटेगरी उस सरस में नहीं आते हैं, सरस नगर में बैरिकेड लगा है, आपके रैनावारी चौक में बैरिकेड लगा है, लेकिन आगे जाकर जब आप पुलिस अधिकार से मुखातिब होते हैं तो आपको अपनी डिजिग्नेशन अपना पेशा पूछते हैं, तो उसके बाद जब आप बोलते हैं फौरी तौर पर कार चेक किए बगैर आपको जाने दिया जाता है, ऐसा ऐसा आपको स्लो मोशन में ट्रैफिक मिलता है जिस पर भर पे हमें ट्रैफिक जैम कहते हैं। लेकिन सरकार ने इस वक्त भी ये कार्रवाई करने से पहले कहा था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब आप खुद अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन उन्होंने डील काफी ज्यादा दे दी। देखिए अब मैं आपको बताऊं नाइट कर्फ्यू 144 डे कर्फ्यू, उसके बाद आपने लॉकडाउन का ऐलान किया, इस बीच में लोगों को आदत पड़ गई और लोग आदि हो गए कि ये नाका क्रॉस करने के बाद अगला नाका जो है वो थोड़ा सा ढीला होगा, इससे मुझे लगता है कि अगर ऐसी कार्रवाई सख्त तरीन करती है तो अगले 10 दिन जम्मू कश्मीर में इस कोरोना वायरस से आवाम को मुतनबिह किया जा सकता है कि किस तरह के खतरनाक मुजर असर हो सकते हैं, वरना काफी देर हो जाएगी, बाद में लॉकडाउन तो करें लेकिन उसका शायद हमें मनफी फायदा भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जमुल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और ये बताने के लिए कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। अब जबकि